थर्ड गियर में 100 तक चली गई है, ये फोर्थ गियर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन हाईवे पे आए हैं टाटा सफारी की टॉप स्पीड देखने के लिए। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि टाटा सफारी की टॉप स्पीड के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, तो दोस्तों आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसकी टॉप स्पीड देखते हैं। पहले अपन 0 to 100 देखेंगे कि कितने सेकेंड में 0 to 100 जाती है, इसके बाद अपन इसकी टॉप स्पीड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन 0 to 100 ट्राई करते हैं कि कितने सेकेंड में जा पाती है। तो पहले मैं इसको मेन रोड पर लेता हूँ, उसके बाद अपन शुरू करेंगे। बाइक्स आ रही है पीछे से। भाई वीडियो बनाने में मैं नहीं चाहता किसी का, मेरा या फिर किसी दूसरे का नुकसान हो, इसलिए बहुत सेफ्टी के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गाड़ी निकल जाती है, उसके बाद अपन शुरू करते हैं। ठीक है, 1 2 3। थर्ड गियर में 100 तक चली गई है, ये फोर्थ गियर। एक बार फिर से ट्राई करते हैं 0 to 100। वीडियो बना रहे हैं इस टाइम, एसी चल रहा है गाड़ी का, एसी के साथ ही वीडियो बन रहा है। तो चलिए दोस्तों सेकंड अटेम्प्ट करते हैं, 0 to 100 देखेंगे पहले, उसके बाद टॉप स्पीड देखेंगे। तो शुरू करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। तो दोस्तों आज मैंने सफारी को लगभग 170 तक चलाया था, इसके बाद आपने देखा कि सामने से मोड़ आ गई और ये सिंगल लेन हाईवे है। तो मैं जब भी 6 लेन हाईवे पर जाऊंगा तो मैं इसकी टॉप स्पीड का वीडियो जरूर बनाऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। और टोल आ गया है अपनी गाड़ी में, अब देखो बिना टोल कैसे निकलते हैं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अपने पास सफारी है तो देखना आज आपको मैं बिना टोल दिए गाड़ी को कैसे निकालते हैं, वो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ओह माय गॉड, जैसे कि ये बस चल रही है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं इस बस के पीछे नहीं जाऊँगा, मैं इधर ले लेता हूँ और इस बस से पहले मैं निकालने की कोशिश करूँगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिना टोल दिए गाड़ी निकाल ली है। तो ऐसे आप भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये टोल चालू ही नहीं है। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। अब भी आपके आसपास कोई टोल चालू नहीं है, नई रोड बनी है, तो आप मेरी तरह आराम से बिना टोल दिए जा सकते हैं, एकदम वीआईपी फीलिंग के साथ।